कर्ज के हवाले से जो फरमा रहे हैं कौन आला हजरत, जिनकी याद के लिए आज हम बैठे हैं। ऐसे ही एक जमाने में ताजदार खिदामत सरकार हुजूर मुहदीस आजमहीन बुलंद आवाज से आला हजरत की पैदाइश के दिन मनाने के उसमें बैठे थे, तो आपने जो फरमाया कौन आला हजरत, किसकी याद में हम बैठे हैं हजरत, तो वो हुजूर मुहदीस आजमहीन के अल्फाज पहुंचाऊं अगर आपकी इजाजत है। जोर से बोलो, फरमाया अल्लाह का एक महबूब बंदा, रसूल पाक का सच्चा नाइब, इल्म का जबले शामी, अमले साले का उस्वे हसना, माकूलात का बहरे जखार, मनकूलात में दरियाए ना पैदा किनार, अहले सुन्नत का इमाम, वाजिबुल एहतराम, इस सदी का बजमाए अरबो आजम मुजद्दीद, तस्दीक में सिद्दीक अकबर का परतौ, बातिल छाटने में फारूक आजम का मजहर, रहमो करम में जुन्नूर की तस्वीर, बातिल शिकनी में हैदरी शमशीर, रियायत फिक व दरायत में अमीरुल मोमिनीन, सल्तनत कुरान व हदीस का मुसल्लमत सुबूत वजीरुल मुस्तहिदीन, आला हजरत अलल इतलाक, इमाम अहले सुन्नत फिल आफाक, आलमुल उलमा इंदल उलमा, कुतबुल इशाक फिल लिसानिल औलिया, मौलाना वफी जमील कमालात औलाना, मुजद्दिद मिल्लत हाजिरा, मुअय्यद मिल्लत ताहिरा, फानी फिल्ला बाकी बिल्ला, आशिक सादिक रसूलुल्लाह इमाम अहमद रजा मुहदीस पढ़े। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वो आला हजरत, जरा जोर से कह दो, मुहदीस आजमहीन रहमतुल्लाह तआला ने फरमाते हैं मेरे बुजुर्गों ने हदीस की पूरी तकमील के बाद, मुहदीस आजम बन जाने के बाद इफ्ता के लिए आला हजरत के पास जब बैठाया, और आला हजरत से मैं एक बात बार बार कहता था कि हुजूर मुझे वो इल्म अता फरमाए जिस तक बहुत सारे मौलाना और उलमा को हवा तक नहीं लगी है, उनकी सोच तक नहीं गई है, वो इल्म अता फरमाए। तो आला हजरत हर मतबा कहते थे साहबजादे मेरे पास कहां कोई इल्म है, जो कुछ है वो सब आपके नाना का है। बुलंद आवाज से कह दो, सब आपके जद्दे करीम का है। याद रखिए, इल्म अलग है, अदब अलग है, ये थानवी, ये गंगोही, ये अम्बेठवी, इन सब के पास इल्म था, अदब नहीं था। आला हजरत के पास इल्म भी था, अदब भी था। जब वो बारगाह रिसालत में गए तो ये नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह फतवा रजिया की इतनी जिल्दे लाया हो, मैं इल्म मंतिक लाया हो, मैं ये इल्म लाया हूँ, मैं वो इल्म लाया हूँ। जब बारगाह रिसालत में जाते हैं तो कहते हैं या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत। कैसे आकाओं का बंदा हो रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। और इल्म का आलम यह है कि जब आला हजरत का विसाल हुआ तो सैयद मदनी मियां मरहूम जो मुरादाबाद के रहने वाले थे, जामे मस्जिद मुरादाबाद, मगरिब की नमाज उनकी छूट गई थी, हालांकि वो देवबंदियों की मस्जिद थी, वहां उनका बड़ा मदरसा चलता था। वो साइड में नमाज पढ़ रहे थे और खलीफे आला हजरत हजरत सैयदना सदरुल अफादिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बच्चों को मुरादाबाद की गलियों में भेजा था मगरिब के बाद कि ऐलान करो कि आला हजरत का विसाल हुआ है, कल सनीचर को नमाज जनाजा है, जिनको पहुंचना हो पहुंच जाए। यह ऐलान हो रहा था। सैयद मदनी मियां मरहूम कहते हैं कि मैंने देखा कि वो जो देवबंदी मदरसे का सदर मुदरिस था, उसने एक लड़के से कहा देखो कौन सा ऐलान होता है। जब वो आया तो लड़का खुश होते हुए हंसते हुए कहता है खासा बरेलवी पद गए, मौलाना बरेलवी जो है खत्म हो गए। ये सुनकर वो देवबंदी मदरसे का जो जामे मस्जिद मुरादाबाद में चलता था वो सदर मुदरिस गुस्से में आ गया, कहा मौलाना अहमद रजा खान का विसाल मुसलमानों के लिए खुश होने का मकाम है या खून के आंसू रोने का मकाम है। अल फजलो मा शहीदत भी लादा, सच्ची फजीलत वो है जो दुश्मन की जबान पे भी आ जाए। ये तुम लोग जो है खुश मना रहे हो, तो उस लड़के ने कहा हजरत वो तो हमारे अकाबीरों को, हमारे मौलाना लोगों को सबको काफिर कहते थे। वो कहता वो कहते थे इश्क रसूल की बुनियाद पे कहते थे। कहा आप मौलाना बरेलवी का
आप मौलाना बरेलवी की हिमायत कर रहे हैं, आप इतना कह रहे हैं किस बिना पर? तो उस जो है सदर मदरिस देव मंदिर मदरसे का, उसने कहा कि मौलाना बरेलवी अपनी जगह जो भी थे मगर हम मुसलमानों के लिए एक फख्र था, हमारा दावा था कि अगर कोई एक व्यक्ति जिसमें सारे दुनिया के उलूम भी हो, दीन के भी उलूम हो, या अगर कोई एक व्यक्ति हो सकता है तो सिर्फ मुसलमानों ही में हो सकता है। यह चैलेंज यहूदियों के सामने भी, ईसाइयों के सामने भी, गैरों के सामने भी हमारा चैलेंज था। अब कोई यहूदी, कोई ईसाई, कोई मुशरिक अगर हमसे कोई दलील मांगे, एक व्यक्ति लाओ मुसलमानों में जिनके अंदर सारे दीन के भी उलूम हो, दुनिया के भी उलूम हो, तो वो सदर मदरिस देवबंदी मदरसे का कहता है मैं सहारनपुर से न लाता, देवबंद से न लाता, अगर चैलेंज करे कोई तो हम लाते तो बरेली के मौलाना अहमद रजा को पेश करते। ये एक ऐसा आदमी है जिसमें अल्लाह ताला ने दीन के भी सारे उलूम अता फरमाए हैं और दुनिया के भी सारे उलूम अता फरमाए हैं। वादी रजा की कोई हिमालय रजा का है, जिसम देखिए वो इलाका रजा का है। पिछलों ने तो लिखा है बहुत कुछ इल्मे दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिसम आ गए।